याद रखें, फ्यूज
वोल्टेज आ रहा है, सही हो गया। अब जितने भी आपके घर के डिवाइसेस है वो 220 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं। कितने वोल्ट के ऊपर काम करते हैं? 220 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि मोटर की साइड से आपके पास बहुत ज्यादा वोल्टेज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपकी फ्रिज है, एयर कंडीशनर है या डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, वो 220 से ज्यादा वोल्ट अगर उनको मिल जाए वो तो खराब हो जाएंगे। हमने क्या किया होता है, हमने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है। क्या रखा होता है? सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है। ये फ्यूज क्या है? दिस इज बेसिकली अ सिक्योरिटी गार्ड। क्या काम करता है ये? सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता है। 220 वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्ट मोटर की तरफ से आता है और आपके डिवाइस की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ये फ्यूज क्या करते हैं? उसको रोक लेते हैं। क्या करते हैं? रोक लेते हैं। और फ्यूज बेसिकली है क्या? ये असल में एक मेटल वायर है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ मेटल वायर। अब बेसिकली होता क्या है? देखिए, ये वाटर की तरफ से फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई वोल्टेज आ रहा है। क्या है जी? हाई वोल्टेज आ रहा है। चलिए मैं कहता हूं कि ये आपका घर है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं। आपने यहां पर मतलब आपके घर में जो मेन बोर्ड है वहां पर आपने फॉर एग्जांपल फ्यूज लगाया हुआ है। यहां पर ये आपका मेन बोर्ड है। क्या है जी? मेन बोर्ड है। इसके अंदर आपने क्या लगाया हुआ है? फ्यूज लगाया हुआ है। अब ये फ्यूज एज सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम करता है, तरीका मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। और समझिए, फ्यूज की इंटरनल मैकेनिज्म को जरा देखते हैं। इंटरनल मैकेनिज्म कैसे होता है? असल में फ्यूज के अंदर हमारे पास इस तरह की एक वायर होती है, ठीक है। अगर 220 से ज्यादा वोल्ट मोटर की तरफ से आता है और आपके घर के अंदर जो डिवाइसेस हैं उसमें ट्रेवल करने की कोशिश करता है तो ये फ्यूज अपने आप को क्या करवा लेता है? ब्लो करवा लेता है। क्या करवा लेता है? ब्लो करवा लेता है। ब्लो मतलब मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और जब ये मेल्ट हो जाता है तो हमारे पास सर्किट क्या हो जाता है? सर्किट ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्किट ओपन हो जाता है, ठीक है। रास्ता टूट जाता है। क्या होता है? रास्ता टूट जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है। ओपन सर्किट में तो करंट नहीं ट्रेवल कर सकता ना। ओपन सर्किट में तो करंट नहीं ट्रेवल कर सकता। वाटर की तरफ से हाई वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज आ रहा है तो फ्यूज के अंदर तो ये मैकेनिज्म है, फ्यूज ने तो अपने आप को मेल्ट करवा लिया है, रास्ता दरमियान में ब्रेक करवा लिया है। तो क्या ख्याल है, ये हाई वोल्टेज आपके घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस है उसमें पहुंच सकेगा? पहुंच सकेगा। आपके घर की डिवाइसेस सेफ रहेंगी, खराब होने से बच जाएंगी। समझ रहे हैं? सो ये फ्यूज क्या काम करता है? ये असल में एक सेफगार्ड का काम करता है, आपके घर की डिवाइसेस को सेफ रखने का काम करता है। किसका काम करता है? आपकी घर की डिवाइसेस को ये सेफ रखने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर एक मेटल वायर होती है और वो मेटल वायर बेसिकली क्या करवाता है, ठीक है, अपने आप को ब्लो करवा लेता है या मेल्ट करवा लेता है। ब्लो करवा लेता है या मेल्ट करवा लेता है, जिसकी वजह से आपके घर के डिवाइसेस को अच्छा जी। सो नेक्स्ट जो वर्ड हमने देखना है दैट इज बेसिकली अर्थ या ग्राउंड वायर। अर्थ या ग्राउंड वायर किसे है? देखिए, अर्थ वायर या ठीक है ग्राउंड, अच्छा याद रखें, बेसिकली अर्थ वायर या ग्राउंडेड वायर या इसको बेसिकली हम लोग न्यूट्रल वायर भी कह सकते हैं। न्यूट्रल वायर भी कह सकते हैं। याद रखें कि आपके पास देखिए जी, अर्थ इज बेसिकली बेस्ट न्यूट्रलाइजर। अर्थ क्या है? ये एक बेस्ट न्यूट्रलाइजर है। ये चीजों को बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर लेता है। आप जब नमाज पढ़ के आते हो यू फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। क्यों? साइंटिफिक रीजन क्या है उसके बिहाइंड? जब देखिए आपके बॉडी के ऊपर चार्जेस, डेली लाइफ में आपके बॉडी के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, जैसे आप सर्दी में सर रखते हो आपकी बॉडी से सारे चार्जेस क्या हो जाते हैं? अर्थ को ट्रांसफर हो जाते हैं। आपकी बॉडी में चार्जेस नहीं होते, वी फील कंफर्टेबल। हम जरा कंफर्टेबल फील करते हैं। समझ आ रही है ना?
इसी तरह अर्थ क्या है, ये एक बेस्ट न्यूट्रलाइजर का काम करता है, ठीक है, या अर्थ इज बेस्ट न्यूट्रलाइजर, ये न्यूट्रलाइजर का काम करता है, या आप इसको एब्जॉर्बर ऑफ चार्जेस कहते हैं, ये एब्जॉर्बर ऑफ चार्जेस का काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, याद रखें किसी भी डिवाइस में या किसी भी जगह पर करंट का फ्लो करता है, किसी भी डिवाइस में, किसी भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो करता है, किसी भी बॉडी में करंट कब फ्लो करता है, याद रखिए करंट हमेशा उस टाइम फ्लो करेगा व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास एक बल्ब है, आप इस बल्ब को स्विच ऑन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, स्विच ऑन करना चाहते हैं। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल बल्ब है जी, ये मेरे पास क्या है, एक बल्ब। चलिए आपका क्या ख्याल है, ये बल्ब तो मैंने क्या किया, मैंने इस बल्ब के साथ बैटरी कनेक्ट कर दी है, और से देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। जस्ट मुझे अभी ये बताइए कि क्या अभी मैंने इसको कनेक्ट किया, नो सर कनेक्टर नहीं लगा, कनेक्टर नहीं लगा, शाबाश। अच्छा अब जरा गौर से देखिए, ठीक है, मैं कहता हूं यहां पर मैंने एक बटन लगा दिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं की, क्या कहते हैं की, क्या कहते हैं की, बटन ऑन ऑफ के लिए हम इसको यूज करते हैं, ऑन और ऑफ के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपका क्या है, जब आप इस की को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, अभी करंट नहीं, कनेक्ट नहीं लगा, ठीक आ जाए, आपने इसको कनेक्ट नहीं। हमारे पास बैटरी में दो तरह के टर्मिनल होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर इसको इसके साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर। हमारे पास दो तरह के बैटरी में पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास नेगेटिव है और ये जो हमारे पास पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है ये हमें हाई पोटेंशियल शो करता है, क्या शो करता है, हाई पोटेंशियल शो करता है, और ये जो पॉजिटिव है ये हमारे पास लो पोटेंशियल शो करता है, लो पोटेंशियल शो करता है, ठीक है। करंट तब फ्लो करता है जब आपके पास, हमारे पास मतलब किसी भी सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तब करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, और इस सर्किट से चार्जेस क्या करना शुरू हो जाते हैं, ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही चार्जेस ट्रैवल करेंगे ये बल्ब क्या करना शुरू हो जाएगा, लाइट बल्ब जो है ग्लो करना शुरू हो जाएगा या ब्राइट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। अच्छा ये तो हमने कुछ अर्थ या ग्राउंड वायर की बात की, याद रखें कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास वायर्स दो तरह के होते हैं, वायर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं लाइव वायर, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। गौर से देखिए ये जो लाइव वायर है ना, दिस इज मोस्ट डेंजरस, क्या होता है, दिस इज मोस्ट डेंजरस, सही हो गया, और ये जो न्यूट्रल वायर है ये नॉट डेंजरस, ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब वाटर वाले आपको सिर्फ एक वायर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज लाइव वायर, वाटर वाले क्या करते हैं, आपको आपके घर में डिवाइसेस को चलाने के लिए सिर्फ एक ही वायर प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सा वायर होता है, लाइव वायर, कौन सा वायर होता है, लाइव वायर होता है। न्यूट्रल वायर आपके घर में मौजूद होता है, न्यूट्रल वायर आपके घर में मौजूद होता है, जब घर बनाया जाता है तो एक मोटी सी तार को हम लोग ग्राउंड के साथ क्या कर लेते, जमीन के अंदर घुसा देते हैं, क्या करते हैं, जमीन के अंदर उसको डाल देते हैं और उसका एक हेड बाहर इस तरह निकाल देते, क्या कर देते, बाहर निकाल देते, और फिर डिवाइसेस को हम कैसे चलाते हैं, तरीका सीखे, देखें ये आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर वालों ने आपको लाइव वायर प्रोवाइड कर ली, डेंजरस वायर आपको क्या कर ली, प्रोवाइड कर ली। अब आप अपने घर की डिवाइसेस चलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर
घर में यहाँ पर न्यूट्रल वायर ऑलरेडी मौजूद है। जब आप घर बना रहे थे तो आपने एक वायर जमीन के अंदर क्या की हुई थी, जमीन के अंदर एक वायर आपने क्या की हुई थी, पहले से डिप की हुई थी, डिप करके आपने उसको डिप की हुई, सही हो गया। अच्छा, ये तो न्यूट्रल वायर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं चलाना चाहता हूँ फ्रिज, चलाना चाहता हूँ मैं बल्ब ऑन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फैन चलाना चाहता हूँ, मैं टीवी चलाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ओवन चलाना चाहता हूँ, मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल ये तमाम चीजें और ये तमाम चीजें मैं चलाना चाहता हूँ। दीज ऑल आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये कब काम करेंगे, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इनको मिलेगा तब ये काम करेंगे। और से देखिए, फ्रिज कब चलेगा, जब इसको मैं एक वायर न्यूट्रल दे दूं और एक वायर लाइट दे दूं। मैंने क्या क्रिएट करवा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया, तब ये फ्रिज चलेगा। ये बल्ब कब चलेगा, जब मैंने एक वायर इसको लाइट दे दी और एक वायर मैंने इसको न्यूट्रल दे दी, तब ये क्या करेगा, चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। सिमिलरली एक बार ये न्यूट्रल वाली वायर है ना, इसी के साथ कनेक्शंस जोड़े जाते हैं। यस प्लीज, न्यूट्रल वायर के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्शंस जोड़कर उसको फिर डिफरेंट डिवाइसेस को लेते हैं। यहां से एक कनेक्शन फैन को दे दे, लाइट से एक कनेक्शन फैन को दे दे, एक कनेक्शन यहां से टीवी को दे दे, लाइट से एक कनेक्शन टीवी को दे दे, ओवन के लिए लाइट के लिए लाइट एक वायर यहां से ले ले, न्यूट्रल यहां से ले ले। सो आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं वो रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज आपने क्या क्रिएट करवा दिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया। याद रखें, आपने नोटिस किया होगा ये जो आपने नोटिस किया होगा ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो आपके पास रोडों के ऊपर चार वायर्स गुजरे हुए होते हैं, अभी नोटिस किया है आपने? फोर वायर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपने देखा होगा ये जो बर्ड्स वगैरह इन वायर्स के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है, उनको शॉक नहीं लगता, उनकी उनको करंट नहीं लगता। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये तो हाई टेंशन वायर पे बैठे हुए इलेक्ट्रोक्यूट क्यों नहीं हो रहे, इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब इनको शॉक क्यों नहीं लग रहा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊं, जब भी हम ये क्वेश्चन पेपर में देते हैं अक्सर बच्चे बड़े मतलब बच्चे तो वैसे भी बड़े मासूम होते हैं, वो क्या लिखते हैं मोस्टली इसका आंसर तरह फनी सा है, वो कहते हैं कि क्योंकि उनके पांव में ब्लड नहीं होता इसलिए वो इलेक्ट्रोक्यूट नहीं होते या उनको शॉक नहीं लगता। दिस इज अ वेरी दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखें, यू हैव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स टर्मिनोलॉजी, आपने फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बात करनी होगी। याद रखें, जो बर्ड्स हाई टेंशन वायर पे बैठे होते हैं इलेक्ट्रोक्यूट नहीं होते, शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उसकी बेसिक फिजिक्स ये है कि उनके दोनों पांव सेम पोटेंशियल पे होते हैं, उनके दोनों पांव सेम पोटेंशियल पे होते हैं, दोनों पांव बर्ड के या तो पॉजिटिव वाले वायर पे होते हैं या तो नेगेटिव वाले वायर पे होते हैं। आपने कभी देखा है कि एक बर्ड ने एक पांव पर ऊपर वाले वायर पे रखा है, दूसरा पांव नीचे वाले वायर पे रखा है, वो बैठा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों पांव बर्ड्स के सेम पोटेंशियल पे होते हैं, एक ही तार पे होते हैं, या पॉजिटिव वाले पे होंगे या नेगेटिव वाले पे होंगे, इसीलिए उसको शॉक नहीं लगता, इसीलिए उसको शॉक नहीं लगता। समझ आ रही है? अच्छा, आप कह सकते हैं कि बर्ड्स के केस में हमारे पास बर्ड्स सिटिंग ऑन हाई टेंशन वायर्स, ठीक है, डज नॉट इलेक्ट्रोक्यूट, वो इलेक्ट्रोक्यूट क्यों नहीं होते, उसकी बेसिक रीजन या उसकी बेसिक फिजिक्स ये है, बिकॉज आपके पास बिकॉज ऑफ नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता उनके लिए। एज दैट आप कह सकते हैं कि डेल वी हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा होता, सही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है, होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बी अमान अल्लाह।